हेलो दोस्तों, मैं साची कोस्टी और आपका वेलकम है कोस्टी किचन में। और आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट लस्सीज। जो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आपको तो पता ही है समर स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें कुछ ठंडा पीने के लिए चाहिए, तो हम आज ये ड्राई फ्रूट लस्सियाँ बनाएंगे। इसके लिए हमने 500 ग्राम घर का बना हुआ दही लिया है। काजू, बादाम और पिस्ता को हमने चॉप कर लिया है। केसर को हमने दूध में भिगो लिया है। एक बाउल हमने ठंडा दूध लिया है, मलाई से भरपूर दूध। आधा बाउल शक्कर लिया है। अब टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मलाईदार लस्सी। सारी चीज़ों को हमें ब्लेंड कर लेना है। और थोड़े से आइस के टुकड़े डालने हैं। और 2 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर लिया है। 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप इसे ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कितना झाग आ चुका है, कितनी मलाईदार है लस्सी। हमने जो आपको बोला था हम 2 फ्लेवर बनाएंगे, तो हम इसमें पहला फ्लेवर है हमारा रोज़ फ्लेवर। हमने इसमें 2 चम्मच रोज़ सिरप डाला है और उसे हम ब्लेंड कर लेंगे। 1 ग्लास हमने पहले से लस्सी का निकाल दिया था। अब ऊपर से हमारे जो चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स थे उसे हम गार्निशिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यम्मी लस्सी लग रही है। अब हम हमारा दूसरा फ्लेवर ऐड करेंगे जो है खस। आप ये लस्सी बिना फ्लेवर के भी पी सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम उसमें 1 चम्मच खस का फ्लेवर डालेंगे। ये मालास का खस फ्लेवर है। आप बिलीव नहीं करेंगे दोनों फ्लेवर कितने बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं ये लस्सियाँ कितनी थिक है। आप इतनी थिक लस्सी घर पे बना सकते हो जैसे बाहर मिलती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी ये 3 फ्लेवर की लस्सियाँ। प्लेन लस्सी, रोज़ लस्सी और खस ड्राई फ्रूट लस्सी ज़रूर ट्राई करिएगा। पाएंगे ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक बाय फ्रेंड्स।